मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक सफापुरा, यहाँ पे लोगों की तरफ से मुझे शिकायत मिली कि यहाँ ऊपर गो एडमिशन की तरफ से बगैर नोटिस के यहाँ पे नुकसान किया गया है। जब मैं यहाँ पे आया तो साथ ही ये जो दुकान बनी हुई है, अलबत्त मुझे ये पता है कि इससे पहले यहाँ पे डिमार्केशन हुई, तहसीलदार थे और जैसे पहले थे और इसके नायब साहब भी थे, उस वक्त इनको परमिशन दी गई थी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे दुकान बना सकते हैं। तो उसके बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ है कि रातों रात यहाँ पे कहने को गया है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं इसके कहने पे बगैर नोटिस के यहाँ पे डोजर लाया गया और इसका इसकी सारी दुकान गिराई गई, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और हम इसकी मिलजुल के यहाँ पे मुखालफत करते हैं कि ऐसा सिस्टम हम यहाँ पे चलने नहीं देंगे। कम अज कम एडमिशन को यहाँ पे जो एक सिस्टम है, यहाँ की पुलिस को अगर पुलिस साथ है या और उसको एक नोटिस निकालनी थी इसके बारे में कि आपने नाजायज यहाँ पे कुछ बनाया है, पहले हमें बताया कि आपकी पर्सनल जमीन है। तो फिर अगर उन्होंने बगैर नोटिस के ऐसा किया है तो ये सरासर नाइंसाफी है। और हम यहाँ पे एडमिशन से कहना चाहते हैं कि इसका पूरा मुआवजा इसे दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही नाइंसाफी। इसके लिए आने वाले दिनों में यहाँ की सफापुरा की पूरी आवाम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराबाजी करते हुए रोड पे निकलेगी, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन खुद इसके जिम्मेदार होगी। मेरा नाम अब्दुल अजीज कुछ है, मैं इस एरिया का पंच पड़ता हूँ, कल इलेक्शन में मैंने जीता है। ये जो पीसा और गटेबल के लोग हैं जिनकी यहाँ मिल्कियत है, अपनी जमीन है, ये मेरे पास आए, इनकी शिकायत थी किसी ने इनका ये जो दुकान बना हुआ था इसको डिस्ट्रॉय किया है। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए उठे, जब हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें किस लिए चुना गया है। हमारा यहाँ अपना मिल्कियत जमीन, इसका बेटा पीएचडी करके अब यहाँ कुछ चाय पानी बेचने के लिए इसने ये दुकान बनाई थी। रातों रात मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रातों रात कौन सी एडमिशन आती है और डिस्ट्रॉय करके भाग जाती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को करना है तो दिन दहाड़े क्यों नहीं करते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस। देखो सर, एक प्रोसीजर होता है, अगर किसी इंसान ने गलत किया उसके लिए डीसी साहब, तहसीलदार साहब को बोलता है, तहसीलदार कंसर्न एसएचओ को बोलता है, एसएचओ विक्टिम को लाकर इन्फॉर्मेशन करता है कि आपने फलानी जगह गलत किया, इसको ठीक करो। ना कोई पुलिस की इन्फॉर्मेशन, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई इन्फॉर्मेशन, बिला वजह आकर किसी का प्रॉपर्टी उड़ाना, ये कौन सा कानून है और ये कौन सा इंसान है? अगर कोई भी काम अंडर प्रोसेस, अंडर लॉ, अंडर कानून होना चाहे, क्योंकि एडमिशन के पास कानून है, कानून हमारे साथ भी है। इसका जितना भी नुकसान हुआ है, ये मेरे वार्ड में पड़ता है, मैं एज अ पंच गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं, इसका जितना भी नुकसान पड़ता है इसको भरपूर मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम अब्दुल मजीद भट्ट है, मैं सफापुरा त्रिसा का रहने वाला हूं और यहां पर मेरी जाती प्रॉपर्टी है सर, तकरीबन 2 कनाल। मेरा बच्चा जो पीएचडी कर रहा है उसने मुझे बोला, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आज जबरदस्त गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है, उसने बोला क्यों मैं नौकरी के पीछे पढ़ूं, थोड़ा बहुत मैं अपना कारोबार यहां चलाऊं। तो मैं गवर्नमेंट के पास गया और उनसे मैंने बाज़ाब्ता परमिशन हासिल की जो कि मेरे हाथ में है, ये तहसीलदार लार ने मुझे दिया। और सर मैंने उसके बाद यहां पर कंस्ट्रक्शन की, ना मुझे कोई नोटिस, ना मुझे नोटिफाई किया गया, ना कुछ किया गया सर। आज रातों रात अचानक मैं घर पर सोया हुआ था कि मेरा चचेरा भाई मेरे घर आया और मुझे नींद से जगाया, बोला भैया खड़े हो जाओ, रात में कोई बंदा, कोई पार्टी आई है और आपके दुकान को डाल दिया गया है। जब मैं यहां पहुंचा मैं हैरान रह गया, मैं गरीब इंसान, मैंने बैंक से लोन निकाला है, मेरे पास कोई जरिया नहीं है। और यही एक मेरी आस, मैं यही लगा कि बैठा था कि शायद इससे मेरे आगे का गुजारा चल सके। मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉई हूं, लोन लेके भी और जितना भी मेरे पास था वो मैंने सब कुछ इस पर खर्च कर दिया। यहां पर देखा सब जमीन से मतलब मीडिया मेट किया गया था, तकरीबन जहां तक मुझे सुनने में आया है सर, यहां पर आए थे तहसीलदार लवार और नायब तहसीलदार और यहां पर जो प्रिंसिपल साहब हैं, इन्हीं के कहने पर शायद ये किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे को जो किस वक्त सिट्रस में है, पीएचडी स्कॉर, आप खुद समझे कितनी मेहनत की है उसने, और आज क्या था कि मैं कुरकुरी भेज दूं, वो भी भेजने नहीं दी। हमें इंसाफ चाहिए और हमें इसका मुआवजा। मेरा मुतालबा है सर, इसको मुझे नए सिरे से तामीर, उसके जितना भी इसमें लग जाएगा वो गवर्नमेंट मुझे दी, मुझे मतलब रिहेबिलिटेट किया जाए और जिसने भी ये किया गया हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक विलेज सफापुरा का ताल्लुक है, सफापुरा विलेज में एक एरिया पड़ता है कोहिस्तान कॉलोनी, वहां पे इंजीनियर कॉलेज के लिए हमने 125 कनाल जमीन ट्रांसफर की है और वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। उसके एक साइड में एक शख्स ने कंस्ट्रक्शन की थी शॉप्स, तो डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत के मुताबिक
हमने उस एनक्रोचमेंट को रिमूव किया, वो रिवर डेवलपमेंट की एक्ट की खिलाफ वर्जी थी। हम परमिशन में के बारे में देखेंगे किसने परमिशन दिया है और किस उसमें क्या ऑप्शन रखा गया है। तो परमिशन तो उसको दिया गया होगा शायद अपनी लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन उसको बाकी कवायद जवाबित जो है रिवर डेवलपमेंट एक्ट के बाकी उबर उबरूर के वो रखने होते हैं, तो हम उसमें देखेंगे, हम चेकअप कर लेंगे।